रमेश सामान निकालो। अरे गुड़िया खुश रहो, जीते रहो जीते रहो। भाभी जी क्यों? अच्छा घर बनाया रे तूने, स्टार्टअप अच्छा चल गया तेरा। हुँ? हाँ चलिए आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ। आइए ना। बाबूजी आप भी बैठिए ना। जी आराम से खाइए ना। ईशा पिला दो बाबूजी को। मुझको भी दो। थैंक यू। अच्छा तुमने नोटिस किया है मम्मी और पापा कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं यार, उनको आदत नहीं है ना। तो हम कुछ कर सकते हैं? हाँ मतलब हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में। अच्छा बाबूजी एक बात बताइए, आप लोग अवधेश चाचा के कब जा रहे हैं? अवधेश क्या हुआ, आपको नींद नहीं आई क्या? नहीं नहीं आई ना। थके हुए लग रहे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बताइए ना प्लीज। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। गद्दा नरम है ना इसलिए उन्हें नींद नहीं आई। अब देखना झूले पे बैठ के हिंदी अखबार पढ़ने की आदत है इन्हें। अरे क्या तुम भी। अब मैं तो पूछने आता कि अब अवधेश चाचा के कब जा रहे हैं? अभी कुछ ही देर में निकलेंगे। और लौटेंगे कब? सोच रहे थे कि थोड़े दिन वहां रह के दिवाली तक लौट आए। नहीं ठीक है बढ़िया सुबह अच्छा है। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ईशा आप लोग को ऑफिस आते हुए ड्रॉप कर। अच्छा है ना। हाँ भाजी अच्छा ठीक है आप लोग एंजॉय कीजिए। अब ये इसके अंदर। नाइस अब क्लैपिंग करेंगे। ये अरे गुड़िया हैप्पी दिवाली। अरे मेरा बच्चा ये आप बनाई, कौन कौन से फूल लगाए इसमें? आइए अंदर चलते हैं। चलो
कमरा कैसा लगा आपको भाभी? बिल्कुल अपने घर जैसा। तो अब यही रह जाइए ना हमारे साथ। वो क्या कहते हैं, क्या हैप्पी दिवाली। हाँ, आपको भी। चलिए अपनों को अपने घर ले आ।